नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट आईटी अपडेट्स पर। मैं नरेश कुमार आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो साथियों, आज की जो वीडियो है वो हमारी जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेल्ड ब्रेज और सोल्डरिंग जो ज्वाइंट है उस टॉपिक के ऊपर है। और ये जो टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके अंदर है हमारा। तो साथियों, और ये जो चैप्टर है कॉमन रहेगा सभी फर्स्ट ईयर की ट्रेड्स के लिए। इंजीनियरिंग जो ट्रेड है आपकी जितनी भी है, चाहे वो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, मोटर मैकेनिक, व्हीकल्स, आपकी जितनी भी ट्रेड है फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि जो कॉमन सिलेबस है तो उसके हिसाब से ये हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन का, सभी के लिए जो है कॉमन है आपका फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर। तो उसी के ऊपर आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर आता रहे। और प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जो अच्छे से में समझ आ जाए। और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको भी जो है इस जो है चैप्टर के बारे में पता चले और वो भी हमारे चैनल के साथ स्टडी कर सके इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। तो चलिए साथियों, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है हमारे यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे वेल्डिंग ज्वाइंट्स है। तो इनके जो रिप्रेजेंटेशन आपके जो सिंबल्स आते हैं लगभग 10 नंबर के आते हैं, तो उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम वेल्डिंग का शुरू करेंगे। तो ये आपका जो है फिलेट जो वेल्ड है उसका ये साइड व्यू यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, जितने भी ये साइड व्यू है। और इनका जो ये सिंबल आपको वहां पर एग्जाम में बनाना है, जैसे फिलेट का है तो इसकी वेल्डिंग देख सकते हैं आप, इस तरह से जो ब्लैक ब्लैक एरिया दिख रहा है तो उसी शेप का आपका सिंबल रहेगा। तो ये आपका जो है समकोण त्रिभुज के आकार का जो सिंबल यहाँ पर बनेगा इसका फिलेट का। उसके बाद करेंगे हम स्क्वायर बेड का। तो ये आप देख रहे होंगे इस तरह से दो लाइन्स आएंगी और उसके ऊपर इस तरह से ये कर्व आपने यहाँ पर बनानी है। उसके बाद करेंगे सिंगल वी का। तो वी शेप आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो ये वी शेप आपको यहाँ पर करनी है और इसके ऊपर आर्क लगानी है। फिर आपका डबल वी बट ज्वाइंट है, तो इसके अंदर आपने क्रॉस करना है, दो वी बनेंगे एक ऊपर एक नीचे क्रॉस करके, और दोनों के ऊपर आपने यहाँ पर आर्क लगा के दिखाना है। फिर हम आगे नेक्स्ट है हमारा सिंगल यू बट। तो यू शेप से ही पता चल रहा है कि यू शेप होगी इसकी बट की जो बेल्ट ज्वाइंट आपका, तो यू बना के इसके ऊपर भी आपने कर्व लगानी है। इसी तरह से डबल यू बट में आपको दो यू बनाने एक दूसरे के अपोजिट और उनके ऊपर आपकी ये कर्व आपने लगानी है। उसके बाद हम बात करेंगे सिंगल बेवल बट। तो ये बिल्कुल आपका इस तरह से आपने टेपर करके दिखाना है और उसके ऊपर कर्व लगानी है। फिर डबल बेवल बट में भी आपका सेम यही नीचे की तरफ आपने यहाँ पर बना देना है और ऊपर की तरफ कर्व लगानी है। तो ये ध्यान देख लीजिए कि जो चीज सिंगल में है वो डबल में उसके अपोजिट करके आप बना सकते हो। फिर सिंगल जे बट है, तो ये जे इस तरह से आपने जे शेप बना के साइड में डंडा लगा के ऊपर कर्व लगानी है आपने। फिर डबल जे में सेम आपने अपोजिट करना है यहाँ पर। स्टड में बिल्कुल परपेंडिकुलर का जो सिंबल होता है वो आपने यहाँ पर बना के दिखाना है। फिर आपका पी डेग या सील, ये आपके जो हाफ सर्कल आपको लगाना है इस तरह से अर्धवृत्त बना के यहाँ दिखाना है। सेलिंग रन के अंदर आपने पूरा जो है सर्कल यहाँ पर बना के दिखाना है। उसके बाद आता है स्पॉट। तो स्पॉट के अंदर क्रॉस करके आपने मिडल में एक लाइन इस तरह से क्रॉस करनी है। फिर आता है सीम ज्वाइंट, जो आपका इसके अंदर आपने तीन क्रॉस एक साथ यहाँ दिखाने बनाकर। फिर नेक्स्ट आता है स्टिच का आपका। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे इस तरह से ये दोनों साइड अपोजिट एक दूसरे के सिंबल टिक लगा के बीच में जो है लाइंस लगानी है आपने। फिर प्लग वेल्ट का है, बिल्कुल ऐसे इस तरह से बनाना है आपने, सी उल्टा सी जिसको हम बोल सकते हैं, इस तरह से ये आप याद रख सकते हैं। फिर यहाँ हम बात करेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और सप्लीमेंट्री वेल्डिंग सिंबल। इसके अलावा भी ये सिंबल है, जैसे कि फ्लैश सरफेस होता है तो बिल्कुल इसके लिए सीधी एक लाइन लगाएंगे डार्क। कॉन्वेक्स सरफेस होगा उसके लिए इस तरह से कर्व रहेगी आपकी, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और कनकेव के लिए आपकी इस तरह से रहेगी। ये उत्तल सरफेस और अवतल सरफेस के लिए इस तरह से आपका यहाँ पर दिखाना है। फिर आपको है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजिशनिंग ऑफ वेल्डिंग सिंबल। तो पोजीशनिंग आपने दिखानी है वेल्डिंग सिंबल की। तो यहाँ पर आपने ये देखिए, यहाँ पर ये सिंबल वी बट का यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये रेफरेंस लाइन है, ये आपकी एरो लाइन रहेगी और ये ज्वाइंट है आपका, और इसके नीचे ये एक और है रेफरेंस लाइन डॉटेड में। तो ये आपकी पोजीशनिंग ऑफ वेल्डिंग सिंबल रहेगी।
उसके बाद यहाँ पर ये साइड व्यू दिखाए गए हैं आपको वेल्डिंग ज्वाइंट के, तो ये आप देख सकते हैं। अगर साइड व्यू पूछे तो आपको इस तरह से दिखाना है, तो ये देख सकते हो आप। उसके बाद हम बात करेंगे अब ब्रेज और शोल्डर जो ज्वाइंट है हमारे, उनके बारे में बात करेंगे। तो आपके जो ब्रेजिंग में जो है शीट मेटल के अंदर जो ज्वाइंट बनाए जाते हैं, स्ट्रैप लैप होता है, दो प्लेट के ऊपर एक प्लेट रखी जाती है, ये सिंपल लैप ज्वाइंट है, एक प्लेट के ऊपर एक, ये जोगल ज्वाइंट है, इस तरह से एक प्लेट होगी, उसके ऊपर ऐसे जो है मोड़ी हुई प्लेट और रखी हुई है, और उनको आपस में ज्वाइंट करना है। ये आपका कॉर्नर ज्वाइंट रहेगा, इस तरह से आपको कॉर्नर के अंदर दबानी है प्लेट एक। ये फ्लैंज टी रहेगा आपका कॉर्नर पे, जैसे वॉल माउंट करते हैं हम उस तरह से, ये है बटेड फ्लैंज, तो इस तरह से मुड़ी प्लेटों को आपस में जोड़ना है आपने ब्रेज करके। फिर ये सॉलिड ज्वाइंट आपका, जैसे शाफ्ट के अंदर दो प्लेटों के बीच में इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पर आप ट्यूब ज्वाइंट देख सकते हैं फ्लैंज का, यहाँ पर दिखाई होगा आपको। तो ये तो आप सारे जो इस साइड राइट लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये आपके जो है ब्रेज ज्वाइंट है, और राइट साइड में आप देखेंगे कि सोल्डरिंग जो ज्वाइंट है वो यहाँ पर दिखाएंगे। तो सोल्डरिंग में सबसे पहले आता है फ्लैंज बट, ये आप देख सकते हैं दो प्लेटों को जब आपस में जोड़ेंगे तो बट ज्वाइंट होगा। ये फ्लश बट है, तो इस तरह से एक प्लेट होगी, और इस तरह से बेंड की प्लेट को आपस में जोड़ना है। यहाँ पर हमने ये फ्लैंज बॉटम है, नीचे की तरफ अगर जोड़ना हो बेंड करके, ये आपका हो गया फ्लैंज एज, किनारे पर जोड़ना हो तो बेंड की हुई प्लेट को, और ये आपका इंटरलॉक आपस में सीम ज्वाइंट भी जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपका रहेगा पाइप ज्वाइंट। तो सोल्डरिंग ज्वाइंट हो गई आपके राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपके जो है ब्रेजिंग ज्वाइंट यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो जो मेन थे मैंने आपको यहाँ पर, जितने भी आपके वेल्डिंग ज्वाइंट है, ब्रेज और सोल्डरिंग ज्वाइंट मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, तो इनको आप एक बार अच्छे से और जो है देख लीजिए और बनाने की खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके काफी इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक, कम से कम जो 10 नंबर के आपके जो इसके आने के चांस पूरे रहेंगे, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और प्लीज आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको भी जो है मेरे चैनल के साथ जो है स्टडी कर सके इस चैप्टर को। और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिएगा, और रेगुलर आपके लिए मैं जो वीडियो बना के लेके आता हूँ, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, तो लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।